Hello students, I am Pawan Kumar Gupta and welcome to online classes. So students, in this video we discuss the chapter 7 English, real English book. So students, let's start. I am going to read the first para. Mr. Robin was perched upon a limb and Reynard the fox looked up at him, for the robin held in his great big beak and more so for the फॉक्स वुड गो फॉर अ सीक. मिस्टर रावन. सो स्टूडेंट, पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक क्रो और एक फॉक्स के ऊपर है, जिसमें सिखाया जाता है कि ज़्यादा गर्व करना किसी चीज़ पे बुरी बात होती है. ठीक है, तो हम लोग ट्रांसलेट करना आप शुरू करते हैं. मिस्टर रावन जो क्या किया है, डिनोट किया है किसको, क्रो को. क्रो को यहाँ पर क्या कहें, रावन. ठीक है, रावन परचेड अपॉन अ लिम, जो रावन था वो क्या था, पेड़ की शाखाओं पे एक खाना का टुकड़ा लेके बैठा हुआ था. एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और जो रेनार्ड जो चतुर काफ़ी चालाक जो फॉक्स था वो क्या कर रहा था, उसको देख रहा था. फॉर द रावन हेल्ड इन द ग्रेट बिग पिग, और जो रावन के जो बड़ी सी चोच थी उसमें क्या किया था, जो बड़े खाने को दबा के रखा हुआ था. मॉर्सल मीन्स होता है फूड ऑफ बीट, अ बाइट ऑफ फूड, यानी खाने के टुकड़े को. वो खाने के टुकड़े को क्या किया था, अपने चूँच में दबा के रखा हुआ था, उसको खा नहीं रहा था, दिखा रहा था. द फॉक्स वुड गो फॉर अ सीक, जो फॉक्स होता है क्या, उसके नज़दीक जाता है और कहता है, सेड द फॉक्स, फॉक्स कहता है इन एडमायरिंग टोन्स, एक एडमायरिंग टोन्स में यानी एक उसको एडमायर करना यानी किसी चीज़ की प्रशंसा करना. प्रशंसा करते हुए कहता है, माई वर्ड सर रावन यू आर हैंडसम बर्ड, तुम क्या हो, एक अच्छे हैंडसम एंड सुंदर पक्षी हो, सच अ फेदर, और आपके पंख भी बहुत अच्छे हैं. इफ़ यू वुड सी ओनली सिंग, अगर आप सिर्फ एक गाना गा दें तो. द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग, जो चिड़िया हैं वो जो आपको क्या कहेंगी, जंगल का राजा कहेंगी. वुड्स यहाँ पे द मीनिंग ऑफ द लकड़ी यानी जंगल्स. ठीक है, यहाँ पे क्या है, मतलब फॉरेस्ट, जो पक्षियाँ हैं वो आपको क्या कहेंगी, यहाँ का एक राजा कहेंगी. द रावन हु डिड नॉट सी द जोक, और जो रावन है इस जोक को, इस पहेली को देख नहीं सका, समझ नहीं सका. एंड फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, वो भूल गया कि जो उसकी आवाज़ है एक पूरे कौवे की तरह है और बेकार है. ठीक है, ही ओपेंड हिज बीक, और वो क्या करता है, अपनी चोंच को, जो मुंह का लंबा सा नहीं होता है सामने का, उसको क्या करता है, ओपन करता है, खोलता है. इन हिज फॉलिश प्राइड, और उसकी जो बेवकूफ़ी यानी मूर्खतापूर्व जो प्राइड ने जो गर्व किया था. एंड डाउन फेल द मॉर्सेल, और क्या होता है, उसका जो भोजन का टुकड़ा होता है फूड का, वो नीचे गिर जाता है. द फॉक्स एड स्पाइड, और जो भेड़िया जो फॉक्स होता है वो क्या करता है, उसको धीरे से छुपा के ले लेता है. हा हा हा, और क्या करता है, वो हंसने लगता है. सेड द फॉक्स, और फॉक्स कहता है, एंड नाउ यू सी यू शुड नॉट लिसन टू फ्लैटरी, और अब तुम्हें देखना चाहिए और समझना चाहिए और नहीं सुनना चाहिए थे मेरी फ्लैटरी यानी मेरी बहकावे वाली बातों को, तुम्हें नहीं सुनना चाहिए. वैनिटी, वैनिटी मीन्स होता है अ स्टेट ऑफ प्राइड, यानी एक ज़्यादा गर्व कर रहा किसी चीज़ पर, तुम्हें मेरी ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए सर. हिज हॉरिड वॉइस, और जो उसकी आवाज़ें थी काफ़ी क्या थी, डरावनी. आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइस, मैं सुनिश्चित हूँ कि जो मैंने तुम्हें पाठ पढ़ाया है वो तुम्हें बेकार नहीं जाएगा, वो कभी ख़राब नहीं जाएगा. सो स्टूडेंट्स, तो स्टोरी इतना ही था, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. तो नेक्स्ट टाइम इसके एक्सरसाइज के बारे में भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर पोएम नहीं था. ठीक है, सो अब यहाँ पे जो इसका एक्सरसाइज है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी बताना है कि जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके लिए ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है उसके लिए फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट, रावन वाज सिटिंग ऑन अ वॉल, जो रावन था वो कहाँ बैठा हुआ था, पेड़ की शाखाओं पर यानी अ ब्रांच ऑफ ए ट्री. द रावन वाज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ए ट्री, लेकिन यहाँ ट्री, यहाँ पर क्या लिखा है, वॉल यानी दीवार पर, तो ये फॉल्स है. द फॉक्स स्टार्टेड हिज फ्लैटरी, जो फॉक्स था वो क्या किया, उसको बहकाना शुरू किया यानी बातों में. द रावन्स अपीयरेंस, सो इट्स ट्रू, सही बात है. द रावन्स वॉइस वाज मेलोडियस, जो रावन की आवाज़ थी वो काफ़ी मधुर थी, मेलोडियस मीन्स मधुर, तो ये गलत है, उसकी आवाज़ काफ़ी ख़राब थी. इफ़ द रावन
वुड सिंग द बर्ड्स ऑफ ए जंगल ऑफ द जंगल, जरावन था अगर वो गाना गाता द बर्ड्स ऑफ ए जंगल वुड कॉल हिम किंग, चल गया उनको राजा बुलाना लगते उस बर्ड को। फॉक्स गलत, द फॉक्स रियल इंटेंशन वॉज टू एजुकेटेड द रावन अबाउट द वॉइस ऑफ वैनिटी। जो फॉक्स था उसका रियल इंटेंशन यानी खुद का उसका जो रियल मतलब वास्तविक इंटेंशन था कि वो रावन को एक पाठ पढ़ाए अबाउट द वॉइस ऑफ वैनिटी, उसके वैनिटी मीन्स होता है उसके गर्व को नीचा करने, उसकी आवाज़ को नीचे करना। बट उसका जो फॉक्स का इंटेंशन था वो यह था कि उसके जो खाने थे जो उसका खाना था उसको वो पाना चाहता था, ठीक है। फॉक्स का इंटेंशन ये नहीं था कि वो क्या करे उसको वैनिटी दिखाए, ठीक है। उसका ये इंटेंशन था कि वो क्या करे उस खाना जो चोंच में दबाया था उसने बीक में उसको पाने के लिए ऐसा किया, ठीक है। नेक्स्ट, रेनार्ड द फॉक्स नोटिस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट करना है तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, मैं बस पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। रेनार्ड द फॉक्स नोटिस दैट मिस्टर रॉबिन हैड अ मॉर्सल इन हिज बीक, अ मॉर्सल मतलब वो खाने का टुकड़ा उसके चोंच में था। द फॉक्स वॉन्टेड टू रॉबिन टू ओपन हिज बीक बिकॉज ही वॉन्टेड गेट द मॉर्सल फ्रॉम इट्स बीक, ठीक है। तो रॉबिन क्या चाहता था, बस उसके खाना का टुकड़ा जो उसके चोंच में था बस वही चाहता था वो। द फॉक्स फ्लैटर द रॉबिन बाई टेलिंग हिम दैट ही इज हैंडसम बर्ड एंड सच फेदर इफ यू वुड ओनली सिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द रॉबिन वॉज सो प्लीज विद द कॉम्प्लीमेंट्स दैट ही ओपन हिज माउथ टू सिंग। नेक्स्ट, आफ्टर गेटिंग द फूड द फॉक्स टोल द रॉबिन दैट ही शुड नॉट लिसन टू फ्लैटर एंड द वैनिटी एंड हॉरिबल वॉइस, ओके। सो नेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, इस आंसर दिस क्वेश्चन का मैं ग्रुप में PDF आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर इसमें मैंने पहले से लिख लिया है बट मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूँगा। सो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है यहाँ पे। सो इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।